एटिलन की तबाही के बाद जब लॉकजॉ और मैक्सिमस दोनों तबाही का मंजर देख रहे थे, तब मैक्सिमस कहता है, मुझे नहीं पता लॉकजॉ कि तुम्हें मैथ के बारे में कितना पता है, मैंने डबल चेक किया लेकिन फिर भी वेरिएबल्स, ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें वेरिएबल्स का मतलब ही पता है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था और ये उसकी नियति नहीं थी, वो इस बारे में कभी नहीं सोचता था, लेकिन मैं उसका ब्रदर था और ये मौत मेरे नसीब में होनी चाहिए थी। वो कईयों के लिए आइडियल था लेकिन उसे विश्वास था टेरिजेनेसिस में और उसे हम दोनों पर विश्वास था, तो क्या हम इस चीज़ को आगे बढ़ाए। तब लॉकजॉक के साथ वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है आगे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर दो अर्थ का इनकर्जन वो सभी हीरोज देख रहे थे जो कि इल्यूमिनाटीज के मेंबर थे, जहाँ पर वो लोग सिर्फ एक ही मुद्दे पर बहस कर रहे थे कि क्या एंटीमैटर डिवाइस यूज़ करना चाहिए या नहीं। तब हैंग कहता है कि क्या मैं अकेला ही दुनिया की तबाही को देख पा रहा हूँ। तब नजारा कहता है, हम तो देख रहे हैं लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्या एक वॉर काफ़ी नहीं थी कि ये इनकर्जन भी हमारे माथे पर आ गिरा, और यहाँ पर सिर्फ एक अर्थ की नहीं बल्कि दो यूनिवर्सेस की बात है। तभी किसी चीज को देखकर टोनी स्टार्क कहता है, इसमें सोचना क्या है चला, हमारे पास एंटीमैटर डिवाइस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उस जगह से कुछ तो हमारे तरफ आ रहा है। और तब हम देखते हैं कि कोई इस अर्थ पर लैंड कर रहा था, और जैसे ही कोई लैंड करता है तभी एलएफ यानी कि बिल्डर का बॉट आ गया है और ग्रीटिंग करता है ह्यूमंस को। तब रीड रिचर्ड कहता है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। तब उस पर उसे जवाब देते हुए टोनी स्टार्क कहता है, मुझे पता है रीड कि ये क्या चीज है, लेकिन इसके किसी बात पर मुझे यकीन नहीं है और ना ही इसके पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए। तब एलएफ बताता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे मास्टर चाहते हैं कि आप दुनिया की तबाही अपनी आंखों से देखें। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वाकांडा में, जहाँ पर एक सोल्जर को उठाते हुए दूसरा सोल्जर कहता है कि अपने पैरों पर खड़े रहो, भले ही ये सिटी गिरने नहीं वाली लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो ये सिटी खड़ी भी नहीं हो सकती। तब वो सोल्जर कहता है, मैं तो खड़ा हो रहा हूँ। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर थानोस के सोल्जर्स उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर सुपर जायंट कहती है, हमारे पहले हमले के बाद उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, वरना वो लोग तैयार होते, और इस बार हमने वॉल में एक क्रैक किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वॉल को तोड़कर अंदर घुस गए। यहाँ पर करवस और प्रॉक्सिमा दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर वो दोनों लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर करवस बता रहा था कि उसे क्या करना है। तब प्रॉक्सिमा कहती है, हाँ मैं वही करूँगी जो मैं हमेशा से करती आई हूँ, उन सबको बुरी तरह से मारूँगी। और वो अपने स्पीयर के साथ वहाँ पर घुसती है वाकांडा में, एक पूरे यूनिवर्स दूर, जहाँ पर इल्यूमिनेटर के मेंबर बिल्डर्स की एक शिप में थे, और यहाँ पर टोनी स्टार्क और बाकी सभी मेंबर्स एलएफ के साथ बिल्डर की उस शिप में चले जाते हैं क्योंकि एक पूरी यूनिवर्स दूर थी। यहाँ पर अंदर आते ही नेमर कहता है कि हमने अब तक कई बैड चॉइसेस की है लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बुरी वाली होगी। तब टोनी अंदर घुसते हुए कहता है, अपनी आंखें घड़ी पर रखो नेमर, क्योंकि अब वक्त हमारा दुश्मन है। तब बीस्ट कहता है, हाँ सही कहा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 घंटे है इनकर्जन के लिए और 6 घंटे है हमारी दुनिया को बचाने के लिए। यहाँ पर टचला आगे बढ़ता है और कहता है, याद रखना कि हमारे पास क्या है नेक्रोपोलिस में, और इस वजह से हम एक कदम उनसे आगे है। लेकिन तभी एक बॉड उसे रोकते हुए उसकी चेकिंग करता है और चेक होने के बाद उसे आगे जाने के लिए परमिट करता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं तभी दो बिल्डर्स और दो गार्डनर्स उन्हें ग्रीट करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। वो आए थे एक पूरी दुनिया को तबाह होते हुए देखने के लिए। वाकांडा जो कि अब ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी के कंट्रोल में थी, और यहाँ पर सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए शूरी ब्लैक ऑर्डर और थानोस के पूरी आर्मी को मजा चका रही थी, लेकिन आर्मी सिटी के अंदर घुस चुकी थी, इस वजह से शूरी के लिए उन पर भारी पड़ना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर अपना स्पीयर रेडी करते हुए प्रॉक्सिमा कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इन वॉल के अंदर नहीं घुस सकती, और एक बार अगर मैं इस सिटी में दाखिल हो चुकी हूँ तो ये मान लो कि ये सिटी मेरी होने वाली है, क्योंकि मैं खुद ही एक पूरी आर्मी हूँ। और अपने स्पीयर को वो शूरी की तरफ फेंकती है, लेकिन दो सोल्जर्स बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। तब गुस्से में शूरी अपना स्पीयर उसकी तरफ फेंकती है, उसके कंधे को घायल कर देता है, और इस वजह से वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उस स्पीयर को निकालते हुए वो कहती है,
तुम्हें क्या लगता है बच्ची कि ये पॉइंटी मेटल मुझे मार पाएगा? तो ये लो कुछ शार्प दिखाती हूँ तुम्हें, और अपने स्पीयर को वो शूरी की तरफ फिर से फेंकती है। लेकिन इस बार भी दो सोल्जर्स अपनी जान गंवाकर उसे बचा लेते हैं। शूरी कहती है कि फॉल बैक करो, क्योंकि हमें रीग्रुप होकर फिर से प्लान बनाकर इनके साथ लड़ना होगा। और वो जैसे ही पीछे हटते हैं, तभी एक सोल्जर को उठाकर थानोस की आर्मी प्रोक्सिमा के पास ले आती है। तो प्रोक्सिमा कहती है कि कहाँ पर है जेम्स, बताओ कहाँ पर है वो, और जहाँ पर पैंथर रहता है उसे क्या कहते हैं। तब वो सोल्जर कहता है कि हमारी क्वीन कैसल में रहती है। तब वो कहती है नहीं, फीमेल पैंथर नहीं, मेल पैंथर, वो कहाँ पर रहता है। तब वो कहता है कि नेक्रोपोलिस में, सिटी के बाहर, क्योंकि सिटी ऑफ डेड है। तब प्रोक्सिमा कहती है कि सिग्नल भेजो शिप को और थानोस को हमारे सक्सेस के बारे में बताओ। जिनके कंधों पर यहाँ के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो लोग एक यूनिवर्स दूर थे जो कि बिल्डर के शिप में थे। तो बिल्डर पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तब टोनी स्टार्क जवाब देता है, मैंने एक बार ट्री को समझने की कोशिश की थी, तुम बिल्डर्स हो, है ना? और बिल्डर आगे कहता है, मैं हूँ क्रिएटर और ये है इंजीनियर। पर वो आगे बताता है कि मैंने एलएफ से कहा था कि इंकर्जन पॉइंट को ऑब्जर्व करे और उस दोनों दुनिया के बीच में जाकर कुछ ऐसी चीज ले आए जो हमारे काम की होगी। उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन तभी एक गार्डनर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और कहता है, बिल्डर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सिर के अंदर हाथ डालकर एक माइंड वेव को बाहर निकालता है खींचकर। अपर वकांडा यानी कि नेक्रोपोलिस में हम देखते हैं कि थानोस अपने ब्लैक ऑर्डर के बचे हुए लोगों के साथ आ चुका था, जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि ट्रिब्यूट का क्या हुआ मेरे लॉर्ड। तब वो कहता है कि मेरा बेटा उस सिटी में नहीं था जब वो डिस्ट्रॉय हुई, अभी भी सर्च कंटिन्यू रखो। और क्या जेम्स तुम्हें मिले? तब वो कहता है नहीं, लेकिन हमने अभी भी उन्हें तलाशना नहीं छोड़ा है मेरे लॉर्ड, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको खुश कर देगा। तब थानोस कहता है कि दिखाओ मुझे। वो देखते हैं कि उस नेक्रोपोलिस में उन्हें कुछ डिवाइस दिखते हैं। तब वो बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ ऐसे वेपन्स छुपा के रखे हैं जो हम एक ही बार में समझ सकते हैं। तब वो देखते हैं एंटीमैटर प्रोजेक्शन सिस्टम्स वहां पर अपग्रेड हो चुके थे, और यही बात सुपर जेंट बताती है थानोस को। तब थानोस कहता है कि अर्थ के कीड़े काफी इंटरेस्टिंग है, उनके हीरोज ने खुद ऐसी मशीनरीज बनाई है जो कि एक वर्ल्ड तक को तबाह कर सकती है। क्या यहाँ पर कुछ और है? तब प्रोक्सिमा कहती है हाँ, यहाँ पर कुछ प्रिजनर्स है। तब थानोस कहता है लगता है ये ह्यूमंस काफी इंटरेस्टिंग है। तब प्रोक्सिमा दिखाती है इस सीक्रेट ब्रदरहुड ने कुछ लोगों को अपने पास बंदी बनाकर रखा है, यह टेरेक्स जो कि गैलेक्टस का हेराल्ड है, लेकिन दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता। और तब हम देखते हैं ब्लैक स्वान को जो कि अभी भी वहां पर बंदी हुई थी, और वो कह रही थी कि वो उसे छुड़ा सकते हैं, लेकिन थानोस उससे ना छुड़ाते हुए वहां से आगे निकल जाता है। बिल्डर्स की शिप पर गार्डनर को वो माइंड वेव मिल चुका था, और यहाँ पर बिल्डर कहता है कि एक माइंड वेव, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने पजेस किया था, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि उसने पोजीशन छोड़ दिया है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब कोई अपने होस्ट को पजेस करके छोड़ देता है, ताकि वो बची हुई जानकारी आसानी से इकट्ठी कर सके। तब हैंक कहता है कि तो तुम्हें इस बारे में पता है, लेकिन तुम लोग हो क्या और तुम कहाँ से एग्जिस्ट करते हो? क्या तुम्हारी स्पीसीज हमारे यूनिवर्स में ही ग्रो हुई थी? तब बिल्डर अपने बारे में बताने लगता है और कहता है तुम में से कुछ ह्यूमंस ने हमारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की है और हमारी एक टीम को तबाह कर दिया है। तब रीड रिचर्ड कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब बिल्डर कहता है कि उसे लाओ। तब हम देखते हैं एक बिल्डर को जो कि मरी हुई हालत में था। तब बिल्डर बताता है ये जो फेल हुआ है और मर रहा है वो बिल्डर है, लेकिन अब ये यूजलेस बन चुका है, लेकिन इससे पहले ये ऐसा नहीं था, ये छूट कर आया है तुम्हारे यूनिवर्स से। तब वो बताता है हमारे यूनिवर्स से, ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। तब बिल्डर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम बीच समुद्र में फंसे हुए हो तो नज़दीक के आइलैंड पर तैरते हुए जाना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर सोची समझी हुई चाल? तुम्हें पता है कि दो रियलिटीज़ के बीच में अब कितना फासला कम हो चुका है? और इतना कहकर वो कहता है कि हमारा कन्वर्सेशन अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और वो उन लोगों को एक वेसल में कैद कर लेता है, उन सभी हीरोज को। तब रीड रिचर्ड कहता है कि ये क्या है? तब वो बताता है कि ये वेसल्स है जिन्हें वर्ल्ड किलर्स कहा जाता है, और ये अपने नाम की तरह ही अपने काम में भी बाहर है। और अब क्योंकि अर्थ सब कुछ मरने का एक्सिस पॉइंट बन चुकी है, तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अर्थ को ही तबाह कर देंगे। तब रीड कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मर रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है।
और अगर इन चीजों के मरने का ताल्लुक अर्थ से होता तो तुम अर्थ को तबाह करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम एक पत्थर को एक पूरे प्लेनेट के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तब वो कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन क्या हो अगर हम सारी अर्थ को ही तबाह कर दे तो? तब हम देखते हैं उस वेसल्स को हमारे यूनिवर्स में वापस आते हुए, जिसमें से सिर्फ रीड रिचर्ड अभी भी उस बिल्डर के शिप पर था। तुम यकीन करते हो कि सब कुछ तुम बचा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी नहीं बचा सकते, खुद अपनी एग्जिस्टेंस को मिट्टी में मिलने से नहीं बचा सकते। हमारे वर्ल्ड किलर्स दो दुनियाओं के बीच में से आने के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या तुम लोग अपनी अर्थ को बचाने के लिए किसी और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तब रीड रिचर्ड कहता है, हाँ क्यों नहीं। और तब हम देखते हैं यहाँ पर बचे हुए हीरोज दूसरी दुनिया के इनकर्जन को तबाह होते हुए देख रहे थे और उस अर्थ को टूटते हुए। तो बिल्डर कहता है, तो फिर तुम लोग राह किस चीज़ की देख रहे हो? तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो भी मुझे कमेंट करें, और हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, या फिर हैशटैग का इस्तेमाल करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद और जय हिंद।